हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में, जो कि 9 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में ओपन है। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट देखेंगे, फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो अभी जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 5% के आसपास चल रहा है, अभी थोड़ा सा कम है। बाकी बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, एंकर लिस्ट इसकी बहुत ही शानदार आई है। FIIs के अंदर बहुत ही बड़े बड़े नाम शामिल है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, सोशिएट जनरल, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, कॉपटल, मॉरिशियस इन्वेस्टमेंट, ऐसे बड़े नाम शामिल है। और उसके अलावा दोस्तों, जो कैपिटल ग्रुप और GIC जो कि सेलेक्टिव कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एंकर लिस्ट के अंदर शामिल है, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। और उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और कई इंश्योरेंस कंपनी शामिल है। तो एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार रही है, स्पेशली FIIs मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। तो कंपनी ऐसा क्या करती है कि एंकर लिस्ट इतनी जबरदस्त आई है, मतलब एंकर्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो कंपनी की डिटेल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी सन 2018 के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब 5-6 साल पुरानी ही कंपनी है, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, मतलब ये एक नया स्टार्टअप है। और इसने 5 साल के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी के पास एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर क्या है कि अलग अलग कंपनीज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को ऑल इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है, फार्मेसीज को, हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को, मतलब ऑल इंडिया के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह या फार्मेसीज हैं या क्लिनिक हैं। तो FY23 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 81,400 इसके रिटेल कस्टमर्स हैं, और उसके अलावा 3400 हॉस्पिटल्स को ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑल इंडिया के अंदर, 3400 हॉस्पिटल्स। और 31 मार्च 2023 तक 1900 हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरर्स के 64,500 प्रोडक्ट्स SKU हैं, और इसके अलावा ऑल इंडिया के अंदर 37 सिटीज के अंदर इसके 73 वेयर हाउसेस हैं, इसकी 19 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, मतलब लगभग 495 डिस्ट्रिक्ट तक इसकी रीच है ऑल इंडिया के अंदर, और 3014 एम्प्लॉयज हैं आज की तारीख में इनके पास। तो सेक्टर मुझे बढ़िया लगा, यूनिक बिजनेस मॉडल है, मतलब अलग अलग कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स आते हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ऑल इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट और सेल करती है एक ही प्लेटफॉर्म से, और इसके अलावा इसका इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स में इसका नंबर आता है। तो हो सकता है इसी सेक्टर के कारण जो बड़े एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड ज़्यादा हुए हों। फिर दोस्तों, इसके फाइनेंशियल्स भी हम देख लेते हैं, जो कि 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर इसके एसेट्स देखते हैं, तो एसेट्स के अंदर साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि 1783 करोड़ से 3305 करोड़ रुपए हुआ है 2021 से 2023 के अंदर, लगभग डबल जैसी ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। और अगर बात करें प्रॉफिट की, तो FY23 तक ये कंपनी जो है लॉस मेकिंग थी, पर लॉसेज जो है हर साल थोड़े कम हुए हैं, और FY24 में सितंबर 2023 तक 11.64 करोड़ रुपए के ये प्रॉफिट के अंदर है। बाकी इसकी बात करें नेट वर्थ की, तो ईयर ऑन ईयर नेट वर्थ इसकी बड़ी है, और इसके ऊपर जो बोरिंग्स मतलब उधारी जिसको डेट कहते हैं 488 करोड़ रुपए का है, और IPO से फ्रेश इश्यू जो पैसे जुटाएगी उनमें से 143 करोड़ रुपए इसकी उधारी मतलब डेट चुकाने के अंदर काम आएंगे, तो ये अच्छी बात लगी। और अभी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 है, मतलब एक से कम है, ये अच्छी बात है। और IPO आने के बाद मतलब फ्रेश इश्यू से जो डेट अपना चुकाएगी उसके बाद थोड़ा सा डेट टू इक्विटी रेशियो और कम हो जाएगा। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो अभी इसका पी नेगेटिव है FY23 तक, इसीलिए अभी इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बाकी इसकी ROE नेगेटिव है, ROCE 6% की है। और फिर दोस्तों, इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये IPO 9 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा, और इसकी लिस्टिंग डेट है 16 फरवरी को। फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर, और इसका प्राइस बैंड रखा गया है ₹1195 से लेकर ₹1258 के बीच में, 11 शेयर्स का ये लॉट है। और बात करें इसके इश्यू साइज की, तो करीबन 1600 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, जो कि कंपनी की ग्रोथ, उसका डेट चुकाने के अंदर, बाकी कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर और कुछ एक्विजिशन करने वाले हैं उसके अंदर ये सारे पैसे काम मिलेंगे। तो अच्छी बात लगी कि फ्रेश इश्यू का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, और बाकी 600 करोड़ रुपए के जरिए OFS के जरिए मतलब प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे, और एम्प्लॉइज को डिस्काउंट दिया गया है ₹119 पर शेयर का।
तो दोस्तों ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि कैसे आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, जिससे क्या है कि आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो पॉजिटिव्स के अंदर अगर बात करें तो सेक्टर इसका यूनिक है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया के अंदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग कंपनीज के, और इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स में इसका नंबर आता है। फिर तीसरा पॉजिटिव है कि रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है साल दर साल। फिर उसके अलावा इसके प्रमोटर्स काफ़ी बढ़िया है, एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स हैं, मतलब फार्मा सेक्टर से ही हैं इसके प्रमोटर्स। बाकी बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, एंकर लिस्ट बहुत ही अच्छी आई है। मुझे सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट लगा इसकी एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार है, FIIs के अंदर बड़े नाम शामिल है, बाकी फ्रेश इश्यू का पोर्शन भी ज़्यादा है। तो ये हो गए कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो FY23 तक लॉस में है, पर FY24 के अंदर ये अब प्रॉफिट में आ गई है September 2023 तक। फिर इसके ऊपर डेट हाई है, पर ये अच्छी बात लगी कि 143 करोड़ रुपीज़ इस फ्रेश इश्यू के जरिए जो जुटाएगी वो उसके डेट चुकाने के अंदर काम आएंगे। फिर बात करें इसकी वैल्यूएशंस की तो थोड़ी सी और सस्ती करनी थी। बाकी अगर अदर स्टार्टअप से अगर इसको कंपेयर करें एंटायर हेल्थ केयर को, तो अदर स्टार्टअप्स इससे भी ज़्यादा महंगी वैल्यूएशंस मांग रहे थे, तो उससे ठीक है वैल्यूएशंस। तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं इसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह पर आपको अपडेट वगैरह करता रहूँगा और फाइनल अपडेट भी दे दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आया, हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।